Hello everyone, I am back with the sixth lecture of the chapter The Adventure, written by Jayant Narlikar from your book Hornbill. Students, in the previous lecture we have already discussed that Professor Gaitonde was doing his research in the parallel universe in a library, and where he found out what his queries were and what he wanted to find out. He found out everything and the answers of all the questions, and then it was 8 o'clock and he was told to leave the library. Students, हमने previous lecture में देखा कि professor Gaitonde को बोला गया कि Professor Gaitonde जिन जिन चीज़ों के जो answers वो ढूंढ रहे थे, जिन जिन सवालों के जवाब वो ढूंढ रहे थे, वो सारे सवालों के जवाब उनको उस library में मिल जाते हैं. और वहाँ पे फिर 8 बज जाता है, पढ़ते पढ़ते वो इतने मग्न हो जाते हैं पढ़ने में कि उन्हें पता नहीं चलता है. और फिर उन्हें बोला जाता है कि आप लाइब्रेरी के बंद होने का समय हो गया है और आप वहाँ से जाइए. नाउ विल कंटिन्यू. ही फाउंड अ गेस्ट हाउस टू स्टे इन एंड हैड अ फ्रूगल मील. ही देन सेट आउट फॉर अ स्ट्रोल टुवर्ड्स द आज़ाद मैदान. अब वो सुबह हो जाती है, वो अगले दिन में भी सुबह हो गई है और वो एक गेस्ट हाउस में ठहरते हैं. और वो एक फ्रूगल का मतलब होता है किफ़ायती, एक बहुत ही सस्ता सा किफ़ायती सा नाश्ता, चीप हल्का फुल्का सा कुछ खाते हैं. और टहलने के लिए, स्ट्रोल का मतलब होता है टहलना, टहलने के लिए आज़ाद मैदान की तरफ निकल जाते हैं. ये जो आज़ाद मैदान है ना, ये वही जगह है जहाँ पे वो रियल वर्ल्ड में अपने लेक्चर को देने के लिए जाने वाले थे. पुणे में वो रहते, पुणे में थे, वो बॉम्बे जा रहे थे और बॉम्बे में ही आज़ाद मैदान में उनको लेक्चर देने के लिए जाना था. अभी ये अपने पैरेलल यूनिवर्स में लाइब्रेरी में रात में थे, जिन्होंने जहाँ पे उन्होंने पढ़ाई की, जो भी रिसर्च किया. उसके बाद अगले दिन वो फिर एक गेस्ट हाउस में स्टे करते हैं और अगली सुबह ये नाश्ता वाश्ता करके, एक हल्का फुल्का नाश्ता करके ये आज़ाद मैदान की तरफ जा रहे हैं टहलने. इन द मैदान ही फाउंड अ थ्रॉन्ग मूविंग टूवर्ड्स अ पंडाल. और अचानक से इनको दिखाई देता है आज़ाद मैदान में कि एक झुंड, बहुत भारी भीड़, थ्रोंग किधर मुड़ रही है, एक पंडाल लगा हुआ है और उस पंडाल की तरफ, ये पंडाल हिंदी वाला ही पंडाल है, उस पंडाल की तरफ बढ़ती हुई जा रही है. सो अ लेक्चर वॉज टू टेक प्लेस. और क्यों जा रही थी, क्योंकि वहाँ पे एक लेक्चर हो रहा था या लेक्चर होने वाला था. फोर्स ऑफ हैबिट टुक प्रोफेसर Gaitonde टुवर्ड्स द पंडाल. अब प्रोफेसर Gaitonde रिसर्चर, हिस्टोरियन, उनको आदत है, होता है ना कि घास देख करके गाय खुद ही वहाँ चली जाती है, वैसे ही लेक्चर और पंडाल वगैरह देख करके, लेक्चर और हिस्ट्री वगैरह होता है, तो ये खुद ही वैसे जगह पर खींचे चले जाते हैं. ये इनकी फोर्स ऑफ हैबिट है, आदत है इनकी, आदत से मजबूर. तो द लेक्चर वॉज इन प्रोग्रेस, लेक्चर चल ही रहा था, लेक्चर होने नहीं वाला था, एक्चुअली लेक्चर चल रहा था. ऑल द पीपल केप्ट कमिंग एंड गोइंग. लेकिन लोग आना जाना कर रहे थे, लेक्चर अपना चल रहा है, जो स्पीकर होगा वो बोल रहे थे और लोग आना जाना कर ही रहे थे. बट प्रोफेसर Gaitonde वॉज लुकिंग एट द ऑडियंस. लेकिन प्रोफेसर जो है वो ऑडियंस की तरफ इस तरीके से देख रहे हैं, लेक्चर जो इंसान दे रहा है वो उसकी तरफ उतना ध्यान नहीं देते हैं. प्रोफेसर Gaitonde इधर उधर किधर देख रहे हैं, तो ऑडियंस की तरफ देख रहे हैं. ही वॉज स्टेयरिंग एट द प्लेटफॉर्म एज इफ मेस्मराइज. और वो प्लेटफॉर्म की तरफ, यानी कि जो पंडाल, वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, उन सब की तरफ ऐसे देख रहे हैं जैसे मनमुग्ध हो गए, मंत्रमुग्ध हो गया वो, ठीक है, ऐसे मुग्ध हो गए हैं, ऐसे देख रहे थे वो, कि जैसे एक होता ना स्पेल, किसी ट्रांस में चले गए हैं, उस तरीके से वो देख रहे थे, एकदम मग्न होकर के वैसे देख रहे थे. देयर वॉज अ टेबल एंड अ चेयर बट द लैटर वॉज अनऑक्यूपाइड. अब उनका ध्यान जाता है स्टेज की तरफ, प्लेटफॉर्म की तरफ, और देखते हैं कि वहाँ एक टेबल लगा है और एक चेयर लगा है. ठीक है, टेबल तो ठीक है, चेयर जो है वो खाली है, ठीक है, अनऑक्यूपाइड है. चेयर जो है वो अनऑक्यूपाइड है, द प्रेसिडेंशियल चेयर अनऑक्यूपाइड. उनको थोड़ा सा अटपटा लगता है कि वहाँ गेस्ट ऑफ ऑनर ही नहीं है, लेक्चर चल रहा है, लेक्चर कोई भी ऐसा प्रोग्राम वगैरह होता है तो कोई ना कोई गेस्ट ऑफ ऑनर होते हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर का चेयर रखा है, प्रेसिडेंशियल चेयर वहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन वो खाली है, तो इनको थोड़ा शॉकिंग लगता है. तब प्रेसिडेंशियल चेयर अनऑक्यूपाइड, ये चेयर खाली क्यों है,
द साइट स्टर्ड हिम टू द डेप्थ्स, और ऐसा लग रहा था कि ये नज़ारे ने उनको अंदर से ऐसे हिला दिया था, उनके दिल को दहला दिया था कि ऐसा कैसे, बहुत अपमान वाली बात है कि गेस्ट वहाँ पे पहुँचा नहीं है और लेक्चर शुरू हो गया है, गेस्ट वहाँ पे है ही नहीं, जो गेस्ट ऑफ ऑनर होते हैं उनके बिना ही लेक्चर कंटिन्यू चल रहा है, ये कैसे हो, बहुत अपमान वाली बात है। तो अंदर से वैसे पूरे हिल जाते हैं, ठीक है। लाइक अ पीस ऑफ आयरन अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट ही स्विफ्टली मूव टूवर्ड्स द चेयर, और जैसे एक चुंबक लोहे की तरफ कैसे अट्रैक्ट हो जाता है, वैसे ये भी अपने आप ही उस चेयर की तरफ अट्रैक्ट होते हुए आगे बढ़ जाते, एकदम तेज़ी से उस चेयर की तरफ चले जाते हैं। द स्पीकर स्टॉप्ड इन मिड सेंटेंस, और जो स्पीकर था जो लेक्चर दे रहा था वो बोलते बोलते बीच में रुक जाता है, टू शॉक टू कंटिन्यू, और वो शॉक था कि ये कौन आया और ये यहाँ क्या कर रहा है, स्टेज पर कैसे चढ़ गया और ये प्रेसिडेंशियल चेयर पर जा करके बैठ कैसे गया, वो चेयर खाली थी वहाँ पे ये बैठ कैसे सकता है, कौन है ये, तो वो एकदम शॉक्ड कि कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है बोलते बोलते। बट द ऑडियंस साउंड वॉइस सून फाउंड वॉइस, और अचानक जो ऑडियंस बहुत शांत होकर के सब सुन रही थी, लोग आना जाना कर रहे थे लेकिन ऑडियंस सुन भी रही थी, वो सारी की सॉरी ऑडियंस क्या हो गई, आवाज़ निकालने लगी, आवाज़ करने लगी, हल्ला करने लगी, वैकेट द चेयर, खाली करो चेयर खाली करो, और ये कौन बोल रहा था, ये सारी ऑडियंस हल्ला कर रही है क्योंकि प्रोफेसर गायतोंडे वहाँ उस प्रेसिडेंशियल चेयर पर जाकर के बैठ गए हैं, जो कि प्रेसिडेंशियल चेयर उनके हिसाब से खाली नहीं होनी चाहिए, और अपने पैरेलल यूनिवर्स में देख रहे हैं वो कि वो चेयर खाली है, लेक्चर चल रहा है, ऑडियंस है, और जब वो वहाँ जाके बैठते हैं तो लोग हल्ला करने लग रहे हैं। दिस लेक्चर सीरीज हैज़ नो चेयर पर्सन, और ऑडियंस चीख रही है इस लेक्चर में कोई ऑडियंस पर्सन नहीं है, खाली करो चेयर को, अवे फ्रॉम द प्लेटफॉर्म मिस्टर, हटो वहाँ से मिस्टर, क्या कर रहे हो वहाँ से, तुम उठो वहाँ से, मतलब पूरा आक्रोश में आ गई पूरी ऑडियंस, जैसे होता है ना कि जब वैसा कोई प्रोग्राम वगैरह चल रहा होता है और उसमें ऑडियंस को कुछ नहीं पसंद आता है तो ऑडियंस कितना हल्ला गुल्ला करने लगती है, चिल्लम चिल्ली, तो इसीलिए जस्ट अ सेकेंड। अवे फ्रॉम द प्लेटफॉर्म मिस्टर, प्लेटफॉर्म से उतरो, स्टेज से उतरो तुम मिस्टर, क्या कर रहे हो वहाँ पे, खाली करो वहाँ से, हटो वहाँ से, क्या कर रहे हो तुम वहाँ पे, उतरो एकदम वहाँ से, इस तरीके का हल्ला करने लगे। मिस्टर किसको बोला जा रहा है, प्रोफेसर गायतोंडे को बोला जा रहा है। पूरा सिनेरियो क्या है, आज़ाद मैदान है, आज़ाद मैदान में एक पंडाल लगा है, वहाँ पे कोई लेक्चर चल रहा है और लेक्चर में लोग बहुत बहुत भीड़ है, पूरा लोग आना जाना कर रहे हैं और लेक्चर चल रहा है, लेक्चर चल रहा है और लोग आना जाना भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सारी की सारी ऑडियंस बैठ करके वहाँ पे सुने जा रही है, ठीक है। उस ऑडियंस उस प्लेटफॉर्म को देख करके प्रोफेसर गायतोंडे मेस्मराइज हो जाते हैं, यानी मुग्ध हो जाते हैं, और अचानक से उनकी नज़र स्टेज पे पड़ती है, स्टेज पे देखते हैं तो एक टेबल लगा होता है और एक चेयर लगा होता है, लेकिन जो चेयर है वो खाली है, यानी कि प्रेसिडेंशियल चेयर जो गेस्ट ऑफ ऑनर का चेयर है वो खाली है। तो ये बात देख करके उन्हें बहुत ही आश्चर्य होता है और ये उनको शॉकिंग लगता है कि बिना प्रेसिडेंशियल चेयर बिना गेस्ट ऑफ ऑनर के ये प्रोग्राम आगे कैसे बढ़ रहा है। तो ये मैग्नेट की तरह चुंबक की तरह उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और जाकर के वहाँ बैठ जाते हैं। जैसे ही ये ऑडियंस ये देखती है वो लोग हल्ला करने लगती है कि चेयर खाली करो, इस लेक्चर सीरीज़ में कोई चेयर पर्सन नहीं है, तो वहाँ पे तुमको बैठने की ज़रूरत नहीं है, निकलो वहाँ से, ये अवे फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, एकदम स्टेज से तुम उतर जाओ, द चेयर इज़ सिम्बॉलिक डोंट यू नो, और वो हल्ला कर रही है कि तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो चेयर है ये प्रतीक है, सिम्बॉलिक किस चीज़ का प्रतीक है। ऑडियंस इस बात का हल्ला कर रही है, इस बात से को चिल्ला करके कह रही है कि जो चेयर है वो क्या है, सिंबल है किसी चीज़ का, ये जो चेयर है वो प्रतीक है किसी चीज़ का, ये एक मिस्ट्री की तरह भी है, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी क्योंकि यहाँ पे सस्पेंस खुल जाएगा कि आखिर वो चेयर जो है वो खाली क्यों थी और ये किस चीज़ के प्रतीक की बात कर रहे हैं।
देखो छोड़ो, सस्पेंस छोड़ो, मैं अभी आपको बताती हूँ कि एक्चुअली पैरेलल सॉरी रियल यूनिवर्स में, रियल वर्ल्ड में प्रोफेसर गायतोंडे आज़ाद मैदान की तरफ जा रहे थे और वहीं पे उनका लेक्चर था, थाउजेंथ लेक्चर, जो 1000वां लेक्चर था उनका, वो वहीं पे था आज़ाद मैदान में ही, और उस लेक्चर को वो देने जा रहे थे। ठीक है, ये चैप्टर में आगे आपको पता चलेगा लेकिन मैं अभी समझा दे रही हूँ आपको। तो वो जो चेयर थी एक्चुअली वो उनके लिए ही रखी गई थी, ठीक है, लेकिन पैरेलल वर्ल्ड में तो पैरेलल यूनिवर्स में तो ये किसी, ये कोई और है ना, ये अभी उतने यहाँ पर उनको लोग जानते नहीं क्योंकि ये किसी और टाइम में पहुँच चुके हैं, इनका टाइम डिफरेंस भी है, टाइम ट्रैवल भी किया है इन्होंने, ये जिस वर्ल्ड में अभी फ़िलहाल वहाँ पे हैं वहाँ तो चीज़ें बहुत अलग अलग हो रही हैं और टाइम ट्रैवल भी कर चुके हैं क्योंकि उस वर्ल्ड में उनका बेटा अभी तक उसका जन्म नहीं हुआ है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो टाइम ट्रैवल भी किया है इन्होंने, तो मे बी अभी वो पैरेलल यूनिवर्स में उतने फेमस नहीं है वो, ठीक है, जितने कि वो रियल वर्ल्ड में है या उतने बड़े हिस्टोरियन नहीं है वो, इस वजह से वो चेयर सेम है जो रियल वर्ल्ड में होनी चाहिए थी, जो कि एक्चुअली प्रोफेसर गायतोंडे के लिए ही रखी गई थी, लेकिन अभी तो वो अपने रियल वर्ल्ड में तो अपना मैसेज सॉरी लेक्चर डिलीवर ही नहीं कर पाए ना, तो इसीलिए यहाँ पे पैरेलल यूनिवर्स में भी वो चेयर खाली है, ठीक है, इसलिए उसको सिंबल बोला जा रहा है। और यहाँ पे आपको आगे एक और वर्ड सुनाई देगा, What nonsense! Whoever heard of a public lecture without a presiding dignitary? और प्रोफेसर बोलते हैं क्या क्या बकवास है ये, कि आज तक कभी ऐसा हुआ है, कभी सुने हो ऐसा कोई पब्लिक लेक्चर का जिसमें कोई प्रिसाइडिंग डिग्निटरी ना हो, कोई भी कोई ऐसा इंसान गणमान्य व्यक्ति कोई मौजूद ना हो, डिग्निटरी रेस्पेक्टेबल आदमी जैसे गेस्ट ऑफ ऑनर वगैरह को हम लोग बुलाते हैं ना, तो कोई भी डिग्निटरी यानी कि कोई भी ऐसा गणमान्य आदमी, कोई बहुत रेस्पेक्टफुल आदमी के बिना कोई लेक्चर पब्लिक लेक्चर चल रहा हो, कभी ऐसा सुना है क्या, ऐसा प्रोफेसर गायतोंडे कहते हैं। प्रोफेसर गायतोंडे वेंट टू द माइक एंड गेव वेंट टू हिज व्यूज, और प्रोफेसर गायतोंडे से रहा नहीं गया, वो ये सब देख नहीं पाया, उनको ऐसा एक इंसल्ट जैसा लग रहा था कि बिना गेस्ट के, बिना किसी चीफ गेस्ट के इस लेक्चर को चलाया जा रहा है, लेक्चर आगे बढ़ रहा है और ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों को कोई ज़रूरत ही, वो चेयर खाली रहता है, वो सिम्बॉलिज्म है, सिम्बॉलिक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो प्रोफेसर गायतोंडे से रहा नहीं गया, वो माइक के पास जाते हैं एंड गेव वेंट टू हिज व्यूज, मतलब अपने व्यूज को वो प्रकट करते हैं, अपने विचारों को प्रकट करते हैं, गेव वेंट टू मतलब अपने विचारों को प्रकट करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, एन अनशेयर्ड लेक्चर इज लाइक शेक्सपियर्स हैमलेट विदाउट द प्रिंस ऑफ डेनमार्क, लेट मी टेल यू, वो बोलते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, भाई और बहनों, ये जो एक अनशेयर्ड मतलब एक अनशेयर्ड लेक्चर यानी कि बिना गेस्ट के कोई लेक्चर ऐसा होता है जैसे शेक्सपियर का हैमलेट बिना प्रिंस ऑफ डेनमार्क के हुआ, ये एक मेटाफर की तरह यूज़ किया गया है, मैं आपको समझाती हूँ। शेक्सपियर इंग्लिश लिटरेचर के एक बहुत ही बड़े ड्रामेटिस्ट थे और उनकी एक बहुत फेमस प्ले है जिसका नाम है हैमलेट, जिसमें मेन कैरेक्टर प्रिंस ऑफ डेनमार्क हैमलेट ही है, ठीक है, तो वो बोलते हैं भाई यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं और कंपैरिजन करते हुए वो ये कहते हैं कि लेडीज एंड जेंटलमैन, भाइयों और बहनों, एक खाली चेयर, एक अनचेयर्ड लेक्चर मतलब बिना गेस्ट के कोई लेक्चर ऐसा होता है जैसे शेक्सपियर का जो हैमलेट है वो बिना प्रिंस ऑफ डेनमार्क के हो रहा हो, ठीक है, यानी कि उसमें मेन कैरेक्टर के बिना ही बिना गेस्ट के कोई लेक्चर ऐसा है जैसे उसमें मेन कैरेक्टर ही एब्सेंट हो, ठीक है, इस तरीके की बात उन्होंने कंपैरिजन के लिए बोली। बट द ऑडियंस वॉज इन नो मूड टू लिसन, लेकिन ऑडियंस बहुत गुस्से में थी, बहुत भड़क गई थी और उसको अब सुनने का बिल्कुल मन नहीं था, ये प्रोफेसर गायतोंडे की बात बिल्कुल नहीं सुनना चाहते हैं, टेल अस नथिंग, चुप हो जाओ, हम लोगों को फालतू बकवास नहीं सुनना है, वी आर सिक ऑफ रिमार्क्स फ्रॉम द चेयर, ऑफ वोट ऑफ थैंक्स, ऑफ लॉन्ग इंट्रोडक्शन, हम लोगों को अब हम लोग पागल हो चुके हैं, हम लोगों को थक चुके हैं, हम लोग नॉट पागल हो चुके हैं, हम लोग थक चुके हैं चेयर पर बैठे हुए लोगों की बातें सुन सुन करके, जो गेस्ट होते हैं उनके भाषण सुन सुन के थक चुके हैं हम लोग वोट ऑफ थैंक्स से कि थैंक यू वेरी मच, और कि कोई गेस्ट आते हैं जब कोई ऐसा प्रोग्राम होता है तो गेस्ट आते हैं तो उनको वेलकम किया जाता है, फिर वो वोट ऑफ थैंक्स देते हैं कि हम मुझे बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पे आए, आपका आपने हमें इतना बड़ा ऑनर दिया अपना प्रेजेंस यहाँ पे रख करके एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये सारी ये इसको वोट ऑफ थैंक्स बोला जाता है, यानी कि लास्ट में उनको
थैंक यू बोला जाता है, उनको धन्यवाद दिया जाता है, ठीक है। और लंबे लंबे इंट्रोडक्शंस, फिर वो अपने इंट्रोडक्शन देते हैं, वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, जो होस्ट होते हैं वो उनका इंट्रोडक्शन देते हैं। तो ये लोग कह रहे हैं कि ये सब एक्चुअली फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, ठीक है। मेन जो टॉपिक होता है वो तो बीच का लेक्चर होता है ना, वो जिस पर्पज़ के लिए आए हैं, यानी कि जो पर्पज़ के लिए वो प्रोग्राम रखा गया है, इम्पॉर्टेंट तो वो होता है, ये सारी चीज़ें तो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। गेस्ट का आना, होस्ट का स्पीच देना, फिर गेस्ट का अपने बारे में कुछ बताना, वोट ऑफ थैंक्स देना, ये सब फॉर्मेलिटी है, थोड़ा सा इसमें टाइम भी लग जाता है। तो इसलिए ये क्या कह रहे हैं कि ये लोग ऑडियंस कह रहे हैं कि हम लोग पक चुके हैं इन सारी चीज़ों से, ठीक है, थक चुके हैं, हम लोग को ये सब नहीं सुनना है, हम लोग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है लेक्चर, लंबा लंबा इंट्रोडक्शन और लंबा लंबा वोट ऑफ थैंक्स नहीं चाहिए हम लोग को, ठीक है। वी ओनली वॉन्ट टू लिसन टू द स्पीकर, हम लोग को सिर्फ स्पीकर क्या बोल रहा है उससे मतलब है, मुद्दे की बात करो, यानी कि जिस टॉपिक पे बात करने हैं सिर्फ उस पे बात करके जाओ, उसके पहले और उसके बाद वाला जो प्रोग्राम है वो तो हम लोगों को नहीं करना, वो हम लोगों को नहीं पसंद है। वी अबॉलिश द ओल्ड कस्टम सो लॉन्ग, और इस पुरानी प्रथा को हमने बहुत पहले ही अबॉलिश कर दिया है, बहुत पहले ही ख़त्म कर दिया है, मिटा दिया है, अबॉलिश हटा देना, ठीक है। तो हम लोगों ने इस पुरानी प्रथा को बहुत पहले ही हटा दिया है, कस्टम मतलब प्रथा। कीप द प्लेटफॉर्म एम्प्टी, प्लीज़ हटो वहाँ से, एकदम खाली करो प्लेटफॉर्म को बिल्कुल। ये एक्चुअली इसलिए ही दिखाया जा रहा है क्योंकि प्रोफेसर गायतोंडे को भी ये पसंद नहीं है। प्रोफेसर गायतोंडे को भी एक्चुअली रियल वर्ल्ड में यही पसंद है कि अगर वो कहीं पे लेक्चर देने के लिए जा रहे हैं तो सिर्फ लेक्चर के टॉपिक पे बात हो, उसके पहले फूल देना, स्वागत करना, तालियां बजाना, गाना करना, ये सब जो इन चीज़ों में टाइम वेस्ट होता है, तो ये शायद उनको प्रोफेसर को पसंद नहीं है। इस वजह से क्योंकि जो जो चीज़ें हो रही है ना पैरेलल वर्ल्ड में, वो कहीं ना कहीं प्रोफेसर गायतोंडे के ही दिमाग का फेर है। उनको जैसा जो जो चीज़ें जैसी चाहिए वो अपने पैरेलल यूनिवर्स में एग्जैक्टली उन चीज़ों को वैसे वैसे ही देख रहे हैं। सपने में जो जो चीज़ें हम सोच के सोते हैं या हमारे दिमाग में जो चल रहा होता है, हम उन्हीं चीज़ों को सपने में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी प्रोफेसर गायतोंडे जो चीज़ को जिस तरीके से चाहते हैं वो उनके पैरेलल वर्ल्ड में उन्हीं के अकॉर्डिंग हो रही है। इसका ये मतलब है कि प्रोफेसर गायतोंडे को भी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि जब वो कहीं लेक्चर देने के लिए जाते हैं तो उसके पहले का जो लंबा सा प्रोग्राम, उसके बाद जो लंबा प्रोग्राम, इंट्रोडक्शन, वोट ऑफ थैंक्स, गाना बजाना, ये सब जो होता है वो सब ना हो। वो मुद्दे की बात करने के लिए गए हैं, जिस मुद्दे पे बात करने के लिए गए हैं, जो लेक्चर देने के लिए गए हैं, सिर्फ स्पीकर वो चीज़ को बोले, ऑडियंस उसको सुने और ऑडियंस वहाँ से चली जाए, वो भी अपने घर चले जाए। क्योंकि क्या होता है ना कि पहले और बाद का जो लेक्चर होता है उसकी वजह से मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत लेंदी हो जाता है और पूरा प्रोग्राम बहुत लेंदी हो जाता है, और जब तक मुद्दे की बात करने की बात बारी आती है तब तक ऑडियंस सोने लगती है, ऑडियंस थोड़ी सी ऐसे थकी थकी हो जाती है, ठीक है। इसीलिए मे बी ये रीज़न होगा। बट गंगाधर हैड द एक्सपीरियंस ऑफ स्पीकिंग एट 999 मीटिंग्स, लेकिन गंगाधर तो गंगाधर पंत है, मतलब प्रोफेसर तो प्रोफेसर हैं, उन्हें ऑलरेडी 999 लेक्चर्स में बोलने की आदत है, क्योंकि ये जो लेक्चर देने जाने वाले थे वो तो उनका 1000th लेक्चर था, यानी कि वो ऑलरेडी 999 लेक्चर्स डिलीवर कर चुके हैं। तो इंसान को इतने सारे लेक्चर देने के बाद ऑडियंस और स्टेज माइक ये सबको हैंडल करना अच्छे से आ जाता है। एंड हैड फेस्ड द पुणे ऑडियंस एट इट्स मोस्ट हॉस्टाइल, ही केप्ट ऑन टॉकिंग, भले ऑडियंस कितनी गुस्सा थी उससे उनको कोई मतलब नहीं था, उनका विरोध कर रही थी, हॉस्टाइल का मतलब भड़की हुई थी, लेकिन इस बात से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, उनको अच्छे से आता था ऑडियंस को हैंडल करना, तो वो बोलते जाते हैं। ऑडियंस उनको उतरने के लिए बोल रही है, चुप रहने के लिए बोल रही है, लेकिन उनको इससे मतलब नहीं है, उनको पता है कि ऑडियंस का काम है बोलना, उनको हैंडल करना आता, वो बोले जा रहे हैं। ही केप्ट टॉकिंग, ठीक है। He soon became a target for a shower of tomatoes, eggs and other objects. और अब जब आप ऑडियंस की बात नहीं सुनोगे तो आपको अंडे और सड़े हुए टमाटर ही मिलते हैं। ऑडियंस जो है वो ऑडियंस को स्पेशली ऐसे लेक्चर वगैरह के टाइम पे या कोई ऐसे प्रोग्राम के टाइम पे, इट इज़ द लास्ट थिंग यू वांट टू डू कि आप ऑडियंस से पंगा मत लो, क्योंकि ऑडियंस उस टाइम पे सड़े हुए टमाटर, सड़े हुए अंडे ही बरसाती है, जो कि वेरी बहुत इंसल्टिंग और ह्यूमिलेटिंग होता है। इसीलिए आप ऑडियंस के साथ पंगा मत लो, वो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन बट ही केप्ट ऑन ट्राइंग valiantly to correct this sacrilege.
अब देखो कितने भी अंडर टमाटर बरस रहे थे लेकिन वो फिर भी रुक नहीं रहे थे, वो बहुत बहादुरी के साथ ऑडियंस को ये समझाने, वेलियंटली का मतलब होता है बहादुरी के साथ, तो बहुत ही बहादुरी के साथ बोलना चालू रखते हैं वो, बोलते जाते हैं और वो ये समझाने की कोशिश कर रहे थे ऑडियंस को, ये जो अपमान हो रहा था कि बिना गेस्ट के लेक्चर को कंटिन्यू किया जा रहा था, बिना एक खाली चेयर के साथ लेक्चर प्रोग्राम को कंडक्ट किया जा रहा था, ये गलत हो रहा था, ये उनके लिए बहुत सैक्रिलेज यानी कि अपमानजनक चीज़ थी, तो इसीलिए वो इसको सुधारने की कोशिश करने में लगे हुए थे, बहुत बहादुरी से लोगों को ये समझाने में लगे हुए थे कि ये गलत है, इस गलती को मत करो, ठीक है। बट ही केप्ट, सॉरी, फाइनली द ऑडियंस स्वार्म्ड टू द स्टेज टू इजेक्ट हिम बॉडली। अब ऑडियंस के बर्दाश्त के बाहर हो गया, ऑडियंस बोली कि अब बहुत हो गया, ठीक है, तुमको बोल रहे हैं तुम उतरो, तुम उतर नहीं रहे, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तो ऑडियंस जो है वो स्वॉर्म पूरा झुंड बना करके स्टेज पे चली जाती है रेंगते हुए, जैसे मधुमक्खियां कैसे चढ़ जाती हैं एक ही जगह पे, वैसे ही ऑडियंस भी पूरी झुंड बना करके स्टेज पे चढ़ जाती है टू इजेक्ट, कि वहां से उनको उठा करके और हटा सके, टू इजेक्ट हिम बॉडीली मतलब किसी चीज़ को बॉडी के साथ उठा करके हटा देना, ठीक है। तो ऑडियंस भी गंगाधर पंत को स्टेज से उठा के हटाने के लिए स्टेज पे चढ़ जाती है। दिस इज ऑल आई हैव टू टेल राजेंद्र, ऑल आई नो दैट दिस दैट आई वॉज फाउंड इन द आज़ाद मैदान इन द मॉर्निंग बट आई वॉज बैक इन द वर्ल्ड आई एम फेमिलियर विथ। फाइनली इनका पैरेलल यूनिवर्स का कहानी ख़त्म होता है। कहानी यानी कि ये सारे जो एपिसोड्स थे जो हुए, ये राजेंद्र देशपांडे को सुना रहे हैं और वो अपने बारे में बोलते हैं कि दैट इज़ ऑल, क्योंकि पैरेलल यूनिवर्स से थोड़ी हम लोग को सुना रहे थे, ये जो अभी तक जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी वो एक्चुअली प्रोफेसर गायतोंडे और राजेंद्र देशपांडे के बीच का कॉन्वर्सेशन था, जो प्रोफेसर गायतोंडे ने होश में आने के बाद राजेंद्र देशपांडे को सुनाना शुरू किया और तब हम रीडर्स को भी वो सारी बात मालूम चली। तो आखिर में प्रोफेसर कहते हैं कि बस मुझे तुम्हें इतना ही बताना है राजेंद्र, जो हुआ सो इतना ही हुआ, इसके बाद मुझे बस इतना पता है कि मैं आज़ाद मैदान में सुबह में पाया गया हूँ। ऑल आई नो दैट आई वॉज फाउंड इन द आज़ाद मैदान इन द मॉर्निंग, सुबह में मैं कहाँ मिला, आज़ाद मैदान में मिला हूँ। तो यानी कि ये अपने पैरेलल वर्ल्ड में 2 दिन के लिए थे, पहला दिन जिस दिन वो पुणे से बॉम्बे गए और लाइब्रेरी में पढ़े, दूसरा दिन जो आज़ाद मैदान में जो जो लेक्चर वाला एपिसोड हुआ वो, ठीक है। तो ये 2 दिन कोमा में रहे और 2 दिन के बाद उठने के बाद जब ये देशपांडे को, राजेंद्र देशपांडे को अपनी कहानी बता रहे हैं तो फिर जा करके इनको होश आया है और ये सारी चीज़ों को वो उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं। बट आई वॉज बैक इन द वर्ल्ड आई एम फेमिलियर विथ, और अब देखो मैं उसी दुनिया में वापस आ गया हूँ जो दुनिया में जानता हूँ, जो दुनिया जिससे मैं फेमिलियर हूँ, जिससे मेरी जान पहचान है, यानी कि अपने रियल वर्ल्ड में वो आ गए हैं जहाँ जब उनका एक्सीडेंट हुआ था। नाउ वेयर एग्जैक्टली डिड आई स्पेंड दोज 2 डेज वेयर आई वॉज एबसेंट फ्राम हियर। तो कहते हैं अब तुम बताओ कि आखिर मैंने वो 2 दिन एग्जैक्टली कहाँ बिताएं जो जब मैं यहाँ एब्सेंट था, तो या इस दुनिया में जब मैं एब्सेंट था 2 दिन, तो आखिर मैंने वो 2 दिन कहाँ बिताए हैं, कहाँ गया था मैं, ठीक है। नाउ वेयर एग्जैक्टली डिड आई स्पेंड दोज 2 डेज व्हेन आई वाज एब्सेंट फ्रॉम हियर, जब मैं यहाँ से एब्सेंट था तो मैं आखिर वो 2 दिन के लिए गया कहाँ था, था कहाँ मैं। राजेंद्र वॉज डम फाउंडेड बाई द नैरेटिव, और राजेंद्र ये सारी चीज़ें सुन रहे हैं, राजेंद्र देशपांडे, और सुनते सुनते ही वॉज डम फाउंडेड, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो मूर्ति बन गए हैं, गूंगे हो गए हैं, शॉक्ड में हैं और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या बोले, ठीक है, वो शॉक्ड हो जाते हैं बाय द नैरेटिव, और ये जो पूरी कहानी उन्होंने सुनी उससे, इस कहानी को सुनने के बाद वो गूंगे हो गए हैं या ऐसा लग रहा है कि उनको सदमा लग गया है या वो शॉक्ड हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि अनयूजुअल है ना किसी का ऐसा, किसी का सपना देखना और सपने का याद भी रखना, लेकिन उस टाइम गैप में वो कहाँ होना, ठीक है, उस चीज़ को इतने माइन्यूटली एक एक चीज़ को याद रखना, वो सुनना, अब इसका क्या जवाब दोगे आप, ठीक है। इट टुक हिम अ वाइल टू रिप्लाई, वो थोड़ी देर सोचते हैं, ठीक है, क्योंकि सोच समझ के आंसर देना होगा ना, इंसान अभी अभी कोमा से बाहर आया है, वो स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है, क्या बोलेगा।
Professor, before just prior to your collision with the truck, what were you doing? Rajendra asked. तो राजेंद्र प्रसाद उनसे सॉरी राजेंद्र देश पांडे उनसे पूछते हैं, प्रोफेसर एक बात बताओ कि जस्ट बिफोर, जस्ट पहले, प्रायर का मतलब पहले, जब तुम्हारे कार का टक्कर कलिजन, जब तुम्हारी कार का कार की टक्कर उस ट्रक से हुई, जब तुम्हारी कार की टक्कर उस ट्रक से हुई, जस्ट उसके पहले तुम क्या कर रहे थे? व्हाट वर यू डूइंग? तुम जस्ट उस समय क्या कर रहे थे? राजेंद्र पूछते हैं, आई वॉज थिंकिंग ऑफ द कैटेस्ट्रोफ थ्योरी एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर हिस्ट्री. वो कहते हैं कि मैं कैटेस्ट्रोफ थ्योरी और उसके इम्प्लीकेशंस यानी कि उसके परिणाम के बारे में, कि हिस्ट्री में उसका परिणाम क्या होगा, कैटेस्ट्रोफ थ्योरी और उसका परिणाम इतिहास पे क्या होगा, इस बारे में मैं सोच रहा था. अब ये कैटेस्ट्रोफ थ्योरी क्या है, ये दिस आई विल टेल यू टुमारो इन द नेक्स्ट लेक्चर, बिकॉज दिस इज़ अ वास्ट टॉपिक एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. सो बिफोर आई विल टीच यू, यू शुड ऑल्सो फाइंड आउट समथिंग अबाउट इट, कि कैटेस्ट्रोफ थ्योरी है क्या. कैटेस्ट्रोफ थ्योरी एक्चुअली मैथ्स में भी होती है, मैथमेटिक्स में भी होती है, लेकिन वो कैटेस्ट्रोफ थ्योरी की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं. तो कैटेस्ट्रोफ थ्योरी क्या है और हिस्ट्री में उसका इम्पैक्ट क्या था, इस चीज़ के बारे में एक्चुअली प्रोफेसर का लेक्चर था, यानी कि उनका टॉपिक यही था, जो अपना 1000th लेक्चर वो डिलीवर करने जा रहे थे, तो उसमें उनका टॉपिक यही था कि कैटेस्ट्रोफ थ्योरी और उसका, उसके परिणाम, उसका हिस्ट्री में क्या क्या होगा, इस चीज़ पे उन्होंने रिसर्च किया होगा और इसी चीज़ पे वो लेक्चर डिलीवर करने के लिए जा रहे थे, जिसकी वजह से मे बी उनके दिमाग में यही सारी चीज़ें चल रही थी और उनका एक्सीडेंट हुआ और उन्होंने जो भी कुछ देखा अपने पैरेलल यूनिवर्स में वो मे बी इसी वजह से देखा. तो इस चीज़ पे हम लोग बात करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड आई विल ऑल्सो टेल यू इन डिटेल कि कैटेस्ट्रोफ थ्योरी होती क्या है. थैंक यू वेरी मच.